ये एक ब्लॉक रखा है एम। क्वेश्चन ये है, फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट इट्स मोशन हॉरिजॉन्टली। मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए कि इसमें हॉरिजॉन्टली ये मूव कर जाए। यहां पर जो कोफिशियंट ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन है वो है म्यू एस। तो कैसे करेंगे? अब मान लो मैं फोर्स ऐसे लगाता हूं या ऐसे लगाऊं, ये तो हो गया पुश, ये हो गया पुल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि एफ कितना चाहिए इसको मूव करने के लिए, म्यू एस एन, और एन जो है वो है एम जी, तो इतना फोर्स चाहिए। तो लेकिन जब मैं हॉरिजॉन्टली फोर्स लगा रहा हूं, चाहे पुश है चाहे पुल है, सेम नॉर्मल है, और ये नॉर्मल जो है वो मैक्सिमम है, बिकॉज अगर मैं एंगल पे लगाऊं, किसी एंगल पे फोर्स लगाऊं तो एन कम हो जाता है, अगर पुलिंग करूं तो। पहले पुलिंग का केस देखते हैं। मान लो एफ ऐसे लगाता हूं थीटा पे, ये एम है, ये हुआ एम जी, और ये हुआ नॉर्मल, एफ बी डी तो बनाना ही होता है, ये नॉर्मल हुआ, सेंटर से पास करता है वैसे नॉर्मल, मैंने यहां से कंफ्यूजन ना रहे, ये सेंटर से पास करती है फोर्सेस एम जी, नॉर्मल ऐसे है, और ये फोर्स कैसे है, ऐसे लग रही है, ये थीटा हो गया, एक्सिस मैंने ले लिए ऐसे। तो अब नॉर्मल क्या है? पहले नॉर्मल था यहां पर ये एम जी, और नॉर्मल ऐसे, तो जब बैलेंस कर रहे थे फोर्सेस तो एम जी इज इक्वल टू नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी। अब नॉर्मल कितना है? अब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस है, तो नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब नॉर्मल कितना है? एम जी माइनस एफ साइन थीटा, तो नॉर्मल कम हो गया ना, यहां नॉर्मल मैक्सिमम था ये, तो अब एम जी में से कुछ कम हो रहा है, तो इसलिए फोर्स यहां कम लगानी पड़ी। अगर थीटा पे लगाते हैं तो नॉर्मल कम आ रहा है, तो अब क्या होगा? एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टली में क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, जस्ट मूव करना है तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एन, और जो नॉर्मल है वो कम हो गया। तो एफ कितना आ गया? अच्छा पूरा एफ ही निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा, कंपेयर कर सकते हैं। तो एफ आ गया, ये वाला एफ भी इधर आ जाएगा, तो म्यू एस एम जी म्यू एस अपॉन कॉस थीटा माइनस, ये माइनस था तो इधर प्लस हो गया, तो म्यू एस साइन थीटा, म्यू एस भी पॉजिटिव थीटा भी पॉजिटिव, ये सारी चीज पॉजिटिव है, एफ ये है। अच्छा यहां पर जो एफ आया और जो ये एफ था, दिस इज इक्वल टू एफ, इसको और इसको कंपेयर करें तो न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर भी है यहां, और ये डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब एफ कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि जीरो और वन के बीच में तो है नहीं है, वन से ज्यादा ही आएगा कुछ, तो एफ कम हो रहा है ना, एफ इज लेस, इससे तो एफ कम है, ये वाला एफ कम है, ठीक। तो ये वाला केस तो नहीं हो सकता, हॉरिजॉन्टली तो नहीं लेंगे, ये तो रिजेक्ट हो गया। अच्छा अगर ये मैंने किया पुल, अगर पुश करता तो तब फोर्स क्या आती? थीटा एंगल पे अगर ऐसे फोर्स लगाता अब नॉर्मल क्या हो जाता? अब इस पे फोर्स लगती है एफ कॉस थीटा ऐसे और एफ साइन थीटा ऐसे,
एमजी ऐसे, नॉर्मल ऐसे। तो अब नॉर्मल क्या है, एफ साइन थीटा प्लस एमजी। तो एफ, अब इसको मूव करने के लिए एफ कॉस, जस्ट मूव करने के लिए एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यूएस एन, और म्यूएस एन कितना है, एफ साइन थीटा प्लस एमजी। तो एफ अगर निकाले तो कितना आया, म्यूएस एमजी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यूएस साइन थीटा। अब इसको और इसको कंपेयर करें अगर, तो ये डिनोमिनेटर छोटा है, इससे इससे छोटा अगर डिनोमिनेटर है तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी, ये एफ ज्यादा है इससे, तो ये वाले केस से तो बेटर है कि पुल किया जाए, तो ये रिजेक्ट हो गया। अच्छा, अब ये ग्रेटर देन वन भी हो सकता है वैसे, और लेस देन वन हुआ तो फिर तो यही वाली फोर्स ठीक है, यही मिनिमम होगी, क्योंकि लेस देन जीरो वन के बीच में आ गया तो ये एफ ज्यादा हो जाएगा इससे, और वन से ज्यादा आया तो ये एफ कम होगा इससे, तो थीटा पे डिपेंड करेगा, तो ये कम भी हो सकता है ना, वन से मतलब ज्यादा हो सकता है ना, वन से ज्यादा होगा तो ये सबसे मिनिमम फोर्स होगी। तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि किसी एंगल पे अगर पुल किया जाए तो मिनिमम फोर्स होने के चांसेस हैं, पुश में तो नहीं है क्योंकि पुश में तो ज्यादा आ रहा है, और इसमें ये जीरो और वन के बीच में अगर नहीं है, वन से बड़ा ये है, तो फिर तो यही करेक्ट हुआ। तो एफ को अब देख लेते हैं कितना थीटा होगा, और उस हिसाब से तो ये फॉर एफ टू बी मिनिमम डिनोमिनेटर शुड बी मैक्सिमम, डिनोमिनेटर को मैक्सिमम होना पड़ेगा, एफ मिनिमम है तो डिनोमिनेटर शुड बी मैक्सिमम। तो इसको मान लेते हैं टर्म एफ थीटा, वेरिएबल थीटा है ना, तो एफ थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस म्यूएस साइन थीटा, एफ डैश थीटा या डी एफ थीटा बाय डी टी। मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो कर देते हैं, तो माइनस साइन थीटा प्लस म्यूएस कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट टेन थीटा इज इक्वल टू म्यूएस, टेन थीटा इज म्यूएस। अब टेन थीटा म्यूएस है तो कॉस थीटा और साइन थीटा निकाल सकते हैं, कॉस थीटा कितना हो गया, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा कितना हो गया, परपेंडिकुलर म्यू एस अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर एस। दोनों यहां पुट कर देंगे तो एफ मिनिमम आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक भी कर सकते हैं या सेकंड डेरिवेटिव से चेक कर सकते हैं, ये मिनिमम देगा। तो एफ इज इक्वल एफ मिनिमम कितना हो जाएगा, एफ मिनिमम इज एम जी म्यू एस अपॉन कॉस थीटा कितना है, वन अपॉन रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर एस, और प्लस म्यू एस साइन थीटा कितना है, म्यू एस अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर एस। तो कितना आ गया, एम जी म्यू एस वन अंडर रूट ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर एस, और अपॉन में कितना हो गया, वन प्लस म्यू स्क्वायर एस। इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया, एफ मिनिमम इज एम जी म्यू एस अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर एस। तो ये एफ मिनिमम हो गया। तो बेसिकली हमें फाइंड करना था कि तीन सिचुएशन थी, तो हॉरिजॉन्टल पुश पुल देख लो, और एक किसी एंगल पे पुश पुल देखो, इनमें तो क्लियर पता चल गया कि ये मिनिमम नहीं हो सकती, मतलब ये फोर्स इससे हमेशा कम रहेगी क्योंकि डिनोमिनेटर इसका बड़ा है इससे। अच्छा, अब ये ग्रेटर देन वन भी हो सकती, डिफ्रेंशिएट करके पता चल गया। अब ये देख लो, ये चीज वन से ज्यादा है, डिनोमिनेटर वन से ज्यादा है ना, मतलब म्यू एस से ज्यादा है, एम जी इंटू कितना आया ये, म्यू एस अपॉन रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर एस। तो अब ये चीज वन से ज्यादा आ रही है, और ये जो था यहां पर म्यू एस एम जी है, डिनोमिनेटर में वन है, यहां डिनोमिनेटर में वन से ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है तो मिनिमम फोर्स ये होगी,
ये नहीं हो सकती, तो ये वाला सिचुएशन नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर इज दिस। और सिचुएशन कौन सी हुई, थीटा एंगल पे लगाना, और थीटा कितना है, टेन इनवर्स। थीटा किस एंगल पे लगाए कि मिनिमम फोर्स लगानी पड़े, टेन इनवर्स म्यूएस। म्यूएस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसीलिए जो गार्डनर होता है ना, गार्डनिंग मशीन होती है, उसको वो थीटा एंगल पे पुल करता है। गार्डनर जो है, गार्डनिंग मशीन जो होती है, उस पर थीटा एंगल पे पुल करता है, ऐसे ग्रास कट करने वाली मशीन। पुश नहीं करता, क्योंकि पुश में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, इसलिए पुल करता है। तो ये प्रैक्टिकल यूज है इसका, और डिफाइंड प्रूव हो गया कि पुल वाले केस में थीटा एंगल पे, और कितना थीटा, टेन इनवर्स म्यूएस पे लगाएंगे तो मिनिमम फोर्स लगानी पड़ेगी, जिससे इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन आ जाएगा।